शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश, केसरिया वालों आओ हमारे देश। मन का आंगन सुना सुना देश भयो पर दे, केसरिया वालों आओ हमारे देश, केसरिया वालों आओ हमारे देश। को मतलब कुंवर रणवीर को पता कौन है कि रुक्मी के चेहरे का एक हिस्सा चला हुआ है, तभी रणवीर रुक्मी से ब्याह के लिए राजी हुआ है। अगर रणवीर ने रुक्मी से ब्याह करने से मना कर दियो तो फिर क्या होगा? अरे हमारी बेटी रसाल का ब्याह भी रुक जावे, इतने साल बाद खीसू के बाप कौन की जमीन वापस मिल गया, उसका क्या होगा? नहीं, अब ये खत कुंवर साहब तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना हमारी सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाएंगी। अब तो रुक्मी का ब्याह रणवीर से होकर ही रहेगा। केसु, अभी तक तो यही है, आप बाहर जाओ, मैं कपड़े बदल कर जाता हूँ। अरे पर खेत तक जाने वास्ते तने कपड़े बदलने की क्या जरूरत है? मैं गिर गया तो मैंने कपड़े भी खराब हो गए। चीची, अभी तक यही है, चिट लेकर गयो कोनी। किसु, तू गया नहीं अभी तक? कहा ना, मैं जा रहा था, मैं गिर गया तो और कपड़े भी खराब हो गए। अभी जाता हूँ, पहुँचा दूंगा आपकी चिट्ठी। बस चिट्ठी कहाँ है? दूसरे कमीज की जेब में पड़ी है। अरे तो कमीज कहाँ है? माँ ने उतार दी थी, बाहर पड़ी है। पता नहीं क्या जरूरी लिखा है उस चिट्ठी में, दोनों पगला गई हैं। चीची, कमीज की जेब से चिट्ठी निकाल, मैं माँ का ध्यान बिठाती। माँ लाओ ना, मैं धो देती हूँ, आप अंदर जाओ। अरे छोरी, मन ने भी धोने की आदत डालने दे, रुक्मी के ब्याह के बाद थारो ब्याह भी हो जाएगा ना, फिर सारा काम मन नहीं तो करना पड़ेगा। क्यों रुक्मी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी। इतने बड़े घर में जा रही है तू, वहां जाकर अपनी बहन माँ बापू को भूल ना जाना। अरे तू ना, अरे तन्ने की चाहिए माँ, घीसू ने 5 रुपए चाहिए पितर महाराज पर चढ़ाने वास्ते। हाँ मैं दे हूँ ना। नहीं, मिल गए। अरे संभाल के जाइयो, फिर से गिर मत जाइयो। हाँ ना गिरूंगा। चल अब तू कर ले। माँ अब बचे कितने, आप ही कर लो ना। अब शाम को जीजी को मंदिर भी तो जाना है, इस वास्ते मारे को ही उनको तैयार करना पड़ेगा ना। अरे लो। अरे छोरी, मन ने भी बड़ी सफाई से सफाई कर दी, अब तो आ ब्याह हो के रहेगा। ठाकुर साहब, आज साल बाद आपको ये रूप देख करके मैं धन्य हो गया। आप मेरी जमीन तो मैंने वापस लौटाई दी, पर मारी बेटी को रिश्ता कुंवर रणवीर साहब से पक्को करके मारी जिंदगी को एक बहुत बड़ो सपनों पूरा कर दिया आज आप। मन ने नहीं मदद से, इसका श्रेय रणवीर को जाता हूं। मने गर्व है अपने बेटे पर। मदन सिंह जी, आज से अपनी सारी पुरानी बातें इस जमीन में दफन करते हैं। आज के बाद समधी होने के नाते बराबर की रिश्ते की शुरुआत करते हैं, और आज के बाद मारे सामने आप इस तरह हाथ जोड़ के नहीं खड़े रहेंगे, बल्कि हमसे गले मिला करेंगे। कबीर,
बस बेटा बस, बस अब मने इजाजत। क्या हुआ? अब मेरे साथ चलो। अरे 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 बेटा, सबने जानो है। बाबू बस थोड़ी देर लगी, चलो ना। जो बातें मुझे यही बता दे। नहीं, अब मेरे साथ चलिए ना। जाए भाई, अपने साले साहब से मिल ले। ठीक है बाबा, मैं भी आता। चल चलिए। चल, क्या हुआ बता? मारी जेब में आपके वास्ते कुछ है। अच्छा, क्या आपकी जेब में मारे वास्ते कुछ है? हाँ है ना। ये लो भाई, मारी टॉफी। और ये रही आपकी चिट्ठी। आज मैं महापूजा वास्ते मंदिर जा रही हूँ। अगर माता जी महाराज के साथ साथ आपके भी दर्शन हो जाए तो हमारी पूजा सफल हो जाएगी। लेकिन माँ बापू को ना दिख जाना। अब आपने मिलने पर पाबंदी लग गई है। आपना सामना तो अब ब्याह के समय ही होगा। क्या कुंवर सा आएंगे आज? कहीं मारे चेहरे के दूसरे हिस्से के बारे में जानकर उनका प्यार मारे वास्ते खत्म तो ना हो जाएगा? हे माता जी महाराज, मैंने अपनी सच्चाई लिखकर भेज दी है। अब जो भी आप फैसला करेंगे मन्ने मंजूर होगा। हे माता जी महाराज, मारी जीजे की प्रार्थना स्वीकार करना। आज रणवीर कुंवर सा को जरूर भेज देना, वरना हमारी जीजी का दिल टूट जाएगा। मैंने चिट्ठी क्यों बदली है माता रानी? क्या आप जानते हो, मैंने जो किया अपने बच्चों की खुशी के वास्ते किया। मुझे माफ कर दो माता रानी। बदलने का मौका देकर बहुत उपकार किया। आगे भी आप ही के हाथ में, थारू ही सहारा है माता रानी। ताया साहब मदन सिंह की चौखट पे कभी कदम नहीं रखते। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा बड़ी मां। वैसे आज मैं बहुत खुश हूं बड़ी मां, जिस चेहरे को मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, ना सिर्फ मुझे वो चेहरा मिला बल्कि आने वाली पूर्णमासी को उससे मेरी शादी भी हो जाएगी। बस आपका आशीर्वाद लेने आया। मारा आशीर्वाद तो हमेशा थारे साथ है। ये आपके लिए है। इसे तो मैं थारे ब्याह पर ही पहनूंगी। हाँ, रुक रुक एक मिनट।
आइयो मारी तरफ से थारे वास्ते। इस सोने की गिरनी पे सुहागा तभी चढ़ेगा जब तू सुहागण को घर लेकर आवेगा। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। थैंक यू बढ़िया मासा। अब मैं चलता। जा, मारा लाडला छोरा। जा जा। हे माताजी महाराज, रणबीर की बिंदरी के साथ सब शुभ हो। उन दोनों की जोड़ी सुखी रहे। बस यही एक विनती है हमारी थारे से। कौन है? हमेशा मैं रणबीर। हाँ हाँ मनासा, पधारिए, दरवाजा खुला है। जी। आप आए हैं बन्ना साहब तो जरूर कोई खुशखबरी साथ लेकर आए हो। बिल्कुल सही पहचाना भाभी साहब, और इसीलिए आपके लिए गिफ्ट भी लाया। आपने बताया नहीं क्या खुशखबरी है? अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा भाभी साहब। मारे कमरे से खुशखबरी कहाँ गुजरे, आप खुद ही बता दीजिए। आइए। आशीर्वाद दीजिए भाभी साहब, मेरा रिश्ता पक्का हो गया। क्या बात है भाभी साहब, आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया? डर लागे बन्ना साहब, मारा आशीर्वाद आपको लगे ना लगे। कैसी बात कर रही हैं भाभी साहब, बड़ों का आशीर्वाद तो छोटों को लगता ही। खुश रहिए, और उस नसीब वाली ने भी बहुत खुश रखेगा। सही होगा भाभी साहब, ऐसा ही होना चाहिए बन्ना साहब। पर इस हवेली की परंपरा को देखते हुए छोड़िए, समय कुछ तो बदलाव लाया होगा इतने साल। भाभी साहब, वक्त के साथ इंसान तो बदलता ही है ना। हाँ बन्ना साहब, बदल तो गए हैं, जिंदगी तो जीनी पड़ती है ना। बड़ी मासा जी रही है, हम भी जिंदा है, पर जिनके साथ जिंदगी जीना चाहते उनके साथ जिंदगी जीने का मौका कब मिलेगा। खैर, हम अपना दुखड़ा रोकर आपकी खुशी को खराब नहीं करना चाहते। देखे तो हमारे बन्ना सा क्या लेकर आए हमारे लिए। बैठिए। वादा करती हूँ इसे आपकी शादी में पहनकर जरूर नाचूंगी मैं। तब शायद आपके भाई साहब की नजर हम पर पड़े कि वो नाच देखने के लिए मेरे घर से बाहर जाने की जरूरत है। मारी एक बात मानेंगे बन्ना साहब? जी भाभी साहब। इस हवेली की परंपरा को तोड़ दो बन्ना साहब, जिसे ब्याह कर ला रहे हो उसे इतनी खुशी देना कि जीने के लिए मारी तरह किसी चीज का सहारा ना लेना पड़े। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होगा भाभी साहब। चलता हूं। क्यों ना सोचू बन्ना साहब, दूध का चला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अरे अरे नहीं, खातिरदारी तो होती रहेगी भाई, मैं आपसे जरूरी बात करने आया था। अरे कहिए ना गजेंद्र सिंह जी, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? मारी बेटी मलिका विदेश से लौट आई है। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। मारी खुशी तो और दुगनी हो जाएगी अगर आप अपने छोटे भाई मेघ सिंह के बेटे से मारी बेटे का रिश्ता तय कर।
गजेंद्र सिंह जी, आपने एक हफ्ते की देर कर दी आने में। मतलब आपके भतीजे रणवीर का रिश्ता कहीं और तय हो गया? जी, कल ये रिश्ता खुद मैंने तय किया। जान सकता हूं कि किस रजवाड़े में रिश्ता तय हुआ है? रजवाड़े की बेटी नहीं है, राजोद गांव के मदन सिंह की बेटी रुक्मणी। ओहो हो, अच्छा तो वहां के जमींदार की बेटी से रिश्ता तय कर दिया आप? अरे जमींदार कहां का, वो तो सुमेर सा अच्छे आदमी है मदन सिंह जी। हमारे बीच बरसों से कुछ अनबन चल रही थी, अब दूर हो गई। माफी चाहता हूं भंवर सिंह जी, आपके भतीजे रणवीर में कोई खोट तो नहीं? ये क्या सवाल किया आपने? तो फिर ऐसी क्या वजह होगी जो राजा को रंग से रिश्ता तय करना पड़ गया? ये सवाल करने का आपको कोई हक नहीं। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि आप हमारे घर आए हुए मेहमान हैं, मेहरबानी करके आप यहां से चले जाइए। मैं तो चला जाऊंगा भंवर सिंह जी, लेकिन मेरी चुप्पी से बिरादरी चुप रहेगी, इसकी उम्मीद कम ही नजर आती। इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कह के जाने की? माफ कर दो चीजों सा, अब बातें तो अब सभी लोग इस रिश्ते में मीन मेक तो निकालेंगे, अब किस किस का मुंह बंद करने जाओगे आप? सबसे पहले आप अपना मुंह बंद रखिए। बढ़िया, अभी तो बाहर वाले ही मुंह खोल रहे हैं जीजो साहब, तब क्या करोगे? जब घर वाले अपना मुंह खोलना शुरू करें, समझो? लेट्स गो। अरे मामा साहब बैठिए। क्या सोच रहे मामा साहब? बैठिए, उठाइए बोतल और हलक से उतारिए और मूड में आ जाइए। भाणजे, नशे में डूबने का वक्त नहीं है, अभी होश में आने का वक्त है भाणजे। मामा, आप जब भी बात करते हो ना पहेलियों में बात करते हो, सीधे सीधे बताओ ना क्या बात है? रणवीर का रिश्ता तय हो गया है। मामू साहब, आप खुशखबरी भी सुनाते हो, वो भी ऐसे मुंह लटका के। अरे ये तो जश्न का अच्छा मौका मिल गया हमें, उठाइए अपना ग्लास। अरे पहले सुन तो ले भांजे कि किसकी बेटी के साथ रिश्ता तय हुआ है, उसके बाद जितनी ग्लास बनानी होगी मैं बनाऊंगा। जिसने तुझे एक रात के लिए जेल में डाला था और तेरे पिताजी की बेइज्जती की थी हवेली में आकर, मदन सिंह। हाँ, मदन सिंह की बेटी से तेरे पिताजी ने खुद रणवीर का रिश्ता तय किया है। नहीं, ये रिश्ता नहीं होगा, मैं ये रिश्ता होने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर ये रिश्ता होने नहीं दूंगा मैं मामा।